अपनी सोच से ही होती है, तो इस तरीके से आप इतने सारे लोगों की सोच कैसे बदलेंगे? आपने बोल रहे जी, हाँ हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, बताइए सर, बोलिए क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा अगर ये कानून बन गया तो? भारतीय नागरिक हैं तो ये हमारा सरकार का फर्ज नहीं है कि ये सब हमें बेसिक सारी नीड्स को वो प्रोवाइड करे, और जो अधिकारी वहां बैठे हैं चाहे बाबू हैं चाहे अफसर हैं, जब वो तनख्वाह लेते हैं तो वो किस बात की तनख्वाह लेते हैं? तनख्वाह तो इसी बात की है कि वो हमें सर्विस दें, तो जरूरत ही नहीं है कि ये सब इन सब चीजों को चार्टर को बार बार बनाने की। ओके जी, ये बने रहते हैं, कानून कभी कोई लागू नहीं हुआ आज दिन तक किसी आदमी पर। एक किसान आदमी है, उसको क्या पता कानून क्या है, वो एप्लीकेशन कहाँ देगा, किस जगह देने जाएगा, उसको पता है जगह? आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं आप लोग कि नहीं? नहीं, कभी नहीं किया, हमें पता ही नहीं। तो ये आपकी गलती हाँ, भी तो है ना फिर? गलती जब है, पता ही नहीं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल ही नहीं करते। हम लोग कहीं जाएंगे क्या करेंगे, तो ये काम कराना है तो उसमें कहना है भाई ये जो बिल पास हुआ है रिश्वत ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये बात हम सब जानते हैं कि हम जो आपकी फर्स्ट स्टेज है उसी पे एक आम आदमी की जो कमी है राहत मिल जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कानून जो बन रहा है क्या केवल बाबुओं के लिए बन रहा है? बाबू तो एक मुद्दा होता है, नीचे का तबका होता है, अधिकारी मैन जिम्मेवार व्यक्ति होता है। अधिकारी के ऊपर कानून बनना चाहिए। मैं एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई कार्ड एक बहुत छोटी सी चीज होती है जो दफ्तर काफी पॉकेट से मतलब इलाके से करीब 5-6 किलोमीटर दूर होता है। फॉर्म 6 भराया जाता है कि नया कार्ड बनना है जी आपका। फार्म की रसीद होती है, 1 महीने बाद वहां पूछा जाता है वहां के एआरओ से कि जी वो रसीद है हमारे पास, हमारे आई कार्ड का क्या हुआ, वहां फार्म ही गायब होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल। हाँ उधर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रयास हमेशा होते रहे हैं, होते रहेंगे और अच्छी बात है, बुरी नहीं है। कानून बनने बंद नहीं होंगे कभी भी, लेकिन कानून के पीछे जो मंशा है यानी जिसके इंटेंशन कहा जाता है वो बहुत साफ होनी चाहिए। और आपने जैसे बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि शिकायत कहाँ की जाएगी, उसका मेरा ख्याल है। हाँ, नीचे साहब। मैं ये कहता हूँ इस कानून का या इस बिल का स्वागत है, लेकिन हमेशा इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सबसे बड़ी चीज है। अगर उसने हमें 30 दिन में काम करना है तो 29वें दिन वो आदमी कोई फिल्मजी ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर देगा, इसका कोई प्रावधान होना चाहिए। मेरे ख्याल में लॉ के ऊपर लॉ बनाने में कोई फायदा नहीं है। अब सब लोग बाबू को नाम को क्रिटिसाइज करते हैं, इसके ऊपर बनाएंगे एक तो आरटीआई बनाएंगे, फिर उसके बाद पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट क्वेश्चन दूसरी आरटीआई दूसरा ऊपर ऊपर बना रहे हैं बाबू के ऊपर, उनका एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हिज़ उनका भी कौन उसका ख्याल रखना है ना, उसका टेंशन बढ़ेगा। नहीं बिल्कुल, आप सरकारी जॉब में थे? जी हाँ, बाबूस नो वी आर नॉट, नो नो, बट ओनली थिंग इज क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक समस्या का पता लगा। आई जस्ट कोट यू दिस वन, मैं इज एडवोकेट में महाराज सिंधिया, महाराज सिंधिया जो मिनिस्टर्स थे इसराइल, उनका सब लेटर वो खुद देखते थे और उनका टारगेट देते विद इन 4 डेज वी हैड टू रिप्लाई एंड सेम वे टू एक्नॉलेज ऐसा है कि डिपार्टमेंट कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट का हो चाहे कॉरपोरेशन का, कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसा सेक्शन ऐसा नहीं है जहाँ बगैर पैसे का काम नहीं होता हो। एक बेचारी असहाय लेडी जो बिल्कुल 80 साल की है या 75 साल की, उसमें किसी को दया नहीं आती है, चक्कर पे चक्कर काटती रहती है, उसके बावजूद भी उसका काम बिल्कुल नहीं होता। सालों से केस लटके पड़े हैं लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आता। और ये बात नोटिस में, हम कॉर्पोरेट ईडीएमसी की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट में इतनी गंदगी है कि वो साफ नहीं होता। तो आपको लगता है साहब इस लेजिस्लेशन से अगर ये पास हो जाए आपको लगता है उससे फर्क पड़ेगा? कमिश्नर से मिलने की कोशिश भी करी है। चलो वो तो छोड़ दो आप, और आपको लगता है ये नए कानून अगर बन जाता है तो फायदा होगा?